फ्रेंड्स, आई एम प्रदेवासी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हम अपने सूट सलवार सिलवाते हैं और उस पे से कुछ कपड़ा बच जाता है, तो उस कपड़े का हम क्या करें? क्या उसे वेस्ट जाने दें या उसे ऐसे ही फेंक दें? फ्रेंड्स, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। मैं आपको बताऊँगी कि हम सूट के बचे हुए कपड़े का क्या करें। अगर अपनी फुल स्लीव्स का सूट बनवाते हैं तो कपड़ा उसमें पूरा लग जाता है। अगर हम स्लीव्स कट सूट बनाएंगे तो उसमें काफ़ी ढेर सारा कपड़ा बच जाएगा, और उसके साथ ही सलवार में तो हमारा पूरा कपड़ा लग जाता है, सलवार में कोई कपड़ा नहीं बचता। अगर हम पैंट बनाते हैं तो पैंट में से भी काफ़ी कपड़ा बच जाता है, उसमें से पूरी कुर्ती नहीं बना सकते। अगर पैंट में से कोई कपड़ा बच जाता है तो उसमें हम कोई छोटा ही आउटफिट बना सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे लिए स्लीव्स बनाने के लिए कोई कपड़ा नहीं बच पाता, तो और हम सोचते हैं कि उसमें स्लीव्स लगा लेते तो अच्छा था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव्स हम किस कपड़े की लगाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती मैंने अपने लिए एक सूट बनाया था, तो उसमें से ये थोड़ा सा कपड़ा बचा था, ये इधर का कपड़ा बचा था, और ये बैक साइड का और फ्रंट साइड का ये मैंने अपनी कुर्ती में से बनाया है। ये मैंने राउंड नेक ही लिया है, इधर से भी और इधर से। तो फ्रेंड्स, इसमें स्लीव्स लगाने के लिए कोई कपड़ा नहीं बचा था, तो मैंने, मेरे पास एक ब्लैक कलर का दुपट्टा था, तो मैंने दुपट्टे में से ये कुर्ती में स्लीव्स लगा दी। ये देखिए, ये मैंने अम्ब्रेला कट स्लीव्स लगाई हैं, इसमें कितना घेर है। और इधर बना है ना, काफी अच्छा। ये अम्ब्रेला कट स्लीव्स है, तो इसे मशीन से फोल्ड करना बड़ा मुश्किल था, तो मैंने इसमें ये पीको कराई है। ये देखिए, मैंने इसमें पीको कराई है, तो इस पीको से इस कुर्ती में काफी अच्छा लुक आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई कुर्ती बनाने जा रही हैं तो उसमें से स्लीव्स अपने दुपट्टे में से लगाइए, और ध्यान रहे कि वो जो दुपट्टे के आप स्लीव्स लगा रहे हैं वो आपके फैब्रिक से मैच करती हुई होनी चाहिए, तभी आपकी कुर्ती में अच्छा लुक आएगा और कुर्ती अच्छी बन पाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी कुर्ती कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।